Which of the following statements is true? First, a scalar quantity is the one that is conserved in process. प्रोसेस में जो कंजर्व रहती है क्या उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी नहीं है? काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है. अगर एसलेटेड मोशन है तो स्पीड जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी, स्पीड टाइम के साथ वेरी होती रहेगी, तो क्या स्पीड स्केलर क्वांटिटी नहीं है? स्पीड बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है. ठीक, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया. दूसरा, स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज. स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है. ऐसा ऐसा भी नहीं है. बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जो पॉजिटिव वैल्यू भी लेती है, नेगेटिव वैल्यू भी लेती हैं, जीरो वैल्यू भी लेती हैं, बट वो स्केलर क्वांटिटी है. फॉर एग्जाम्पल, वर्क डन. वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन नेगेटिव भी होता है. सेकेंड एग्जाम्पल, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है. क्लियर? तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. वो पॉजिटिव भी वैल्यू ले सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकती है, तो ये भी गलत हो गया. थर्ड, स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट स्पेस में यूनिफॉर्म रहती है. ऐसा नहीं है, वेरी करती है. अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है, स्पीड वेरी कर रही है, रिटार्डिंग मोशन है, एक्सीलरेटिंग मोशन है, बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया. डी पार्ट, द स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस. मतलब दो ऑब्जर्वर डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस में लिए हैं. मतलब एक कह रहा है मेरी एक्स एक्सिस यहाँ है, वाई एक्सिस यहाँ है और जेड एक्सिस यहाँ है. दूसरा ऑब्जर्वर है वो कह रहा है नहीं नहीं मेरी एक्स इधर है, वाई मेरी इधर है और जेड मेरी बाहर की तरफ है. इस तरह से ये मेरी जेड. तो इन दोनों ऑब्जर्वर किसी स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू सेम बताएं. क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन से तो कोई लेना देना होगा ही नहीं. अब अगर एक्स और वाई एक्सिस की डिफरेंट ऑरिएंटेशन हैं तो इसका मतलब तो डायरेक्शन अलग अलग हुई. ये कह रहा है मेरा एक्स इधर है, ये कह रहा है मेरा एक्स इधर है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं. तो ये आंसर ठीक हो जाएगा. ए स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ऑरिएंटेशन ऑफ एक्सिस. लेकिन इसी के साथ एक पॉइंट और मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहो फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, तो फॉर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू, तो ये गलत हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार मूव कर रही है, आप सड़क पर खड़े हुए हैं, कार मूव कर रही है, तो कार की स्पीड आपको दिख रही है 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कार में बैठे हुए लोगों के लिए उस कार की स्पीड क्या है? जीरो. तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग ऑब्जर्वर, अगर मूविंग रिलेटिव मोशन में अगर ऑब्जर्वर हैं तो उनके लिए स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी. ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है. अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिएंटेशन अलग है तो स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू सेम होगी, लेकिन अगर ऑब्जर्वर एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है तो स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी. क्लियर? स्केलर क्वांटिटी डज नॉट हैव सेम वैल्यू फॉर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज विच आर इन रिलेटिव मोशन विद ईच अदर. क्लियर? 100. फिगर शो द ओरिएंटेशन ऑफ टू वैक्टर्स वैक्टर यू एंड वैक्टर वी इन एक्स वाई प्लेन. ये है आपका वैक्टर यू और ये है आपका वैक्टर वी. ठीक, इनकी वैल्यूज भी दिए हैं. यू दिया आपको ए आई कैप बी जे कैप और वी दिया है आपको पी आई कैप क्यू जे कैप. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? एक्स और वाई एक्सिस हैं. इसमें कुछ चीज़ें आप पहले देख के समझ लीजिए. अगर यू वेक्टर ये है, इसका मतलब उसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और उसका वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है. ठीक, इसका मतलब ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा. अब जो दूसरा वेक्टर है वी, वो इस तरह से है. ठीक, तो उसका एक्स कंपोनेंट तो पॉजिटिव दिख रहा है, बट उसका वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो वो डेफिनेटली निगेटिव होगा. इसका मतलब P जो है वो तो आपका पॉजिटिव होगा, बट Q जो है वो कैसा होगा? आपका नेगेटिव होगा. तो क्या आंसर बनेगा? A, B और P, ये तीनों तो पॉजिटिव की कैटेगरी में आ गए और Q कहाँ गया? नेगेटिव की कैटेगरी में. सो योर आंसर विल बी सी पार्ट.